बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रब्बिल जलील इल्म अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन फज़लिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली रेडियो बटन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेडियो बटन बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक रेडियो बटन जो होता है एक सिंपल होता है, तो एक रेडियो बटन फार होता है, ठीक है। और अगर मॉडल यूज करें तो फिर हम रेडियो बटन फार यूज करते हैं, और अगर मॉडल के बगैर हम यूज करें तो हम रेडियो बटन सिंपल यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो इस वाले के लिए अब मैं इधर मॉडल के अंदर एक नई क्लास ऐड करूंगा, नया मॉडल ऐड करूंगा। तो मॉडल का नेम रखूंगा स्टूडेंट, इसे मैं करूंगा ऐड। और अब इसकी सिंपलिसिटी के लिए हमारी यह पब्लिक क्लास है, इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ऐड करूंगा प्रॉप। और प्रॉप ऐड करने से मेरे पास इधर आ गई, इसको मैं स्ट्रिंग बना लूंगा, ठीक है। और जो इसका जो वैल्यू होगी इसको मैं लिखूंगा रिजल्ट, ठीक है। तो वैल्यू रिजल्ट जो है पास या फेल ही होगी, ठीक है, डोई। तो उसके बाद अब मैं इसके लिए अब एक्शन मेथड भी बनाने हैं, तो उसके लिए कंट्रोलर ऐड करूंगा। कंट्रोलर के अंदर अब मैं एमवीसी एम्प्टी इसे यूज करूंगा, और कंट्रोलर का जो नाम होगा वो मैं दूंगा इसे स्टूडेंट कंट्रोलर। तो अब इसके अंदर मुझे एक ना इंडेक्स मिलेगी बाय डिफॉल्ट क्लास, ठीक है, पब्लिक क्लास। तो मैं उसके उसी का एक व्यू बैक बनाने लगा, ये आ गई। अब मैं इसके ऐड कराऊंगा व्यू, अब मैं इसका एमवीसी 5, और इसके अंदर मैं मॉडल दूंगा इसे, क्योंकि हम स्पेशल इसे स्ट्रॉन्ग क्लास बनाने लगे हैं। और इधर मैं अपने जो स्टूडेंट वाली होगी रेडियो बटन मॉडल्स, हाँ, ये यूज करूंगा। और इसको मैं करूंगा अनचेक, और इसे मैं करूंगा ऐड। तो अब साथ ही मैं क्या करूंगा, कंट्रोलर के अंदर जाके एक नई सेम क्या कहते हैं क्लास बनाऊंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इसका जो पहले तो इंडेक्स थी हमारे पास, अब मैं इसे कर देता हूँ सबमिट, ठीक है। तो कंट्रोल जी कंट्रोल एस, अब मैं सबमिट का एक व्यू ऐड करता हूँ, एमएससी 5। तो इसे भी स्ट्रांग बनाएंगे एम्प्टी, और स्टूडेंट क्लास ऐड करूंगा, ये मुझे एक नया व्यू उसका एक दे देगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो सबमिट के अंदर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है जो वो एस, मैंने इसे इंस्टेंस ऐड कर दिया, और इसे मैंने पास कर दिया इसके अंदर व्यू के अंदर। और क्योंकि इधर मॉडल वाला जो है मेरा वो बाय डिफॉल्ट आया हुआ है, अगर ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, ठीक है, अब इसे मैं कंट्रोल एस करूं तो मुझे ये एरर देगा। इसका एरर क्यों देगा, क्योंकि मैंने मॉडल वाला यूज नहीं था किया हुआ, ठीक है। तो उसके लिए आप इधर सिंपल क्या करेंगे, इधर कंट्रोल वी करेंगे, और कंट्रोल वी किस तरह करेंगे, आपका जो रेडियो बटन ये वाला होगा ना, ये आपका कंट्रोलर का नेम होगा, इसने आपने इसे इधर यूज करके, और जब से मैंने सेव किया था तो मेरे एरर सारे खत्म के खत्म हो गए। तो इसके अंदर मैं अब फॉर्म ऐड करने लगा हूँ सबमिट के अंदर, इंडेक्स के अंदर भी हम इंडेक्स फाइल के अंदर जाएंगे। तो इसे मैं करता हूँ एस, और इंडेक्स फाइल के अंदर जाते हैं, और इंडेक्स फाइल के अंदर अब हम इधर बनाते हैं एक फॉर्म एट द रेट यूजिंग ब्रैकेट्स के अंदर HTML डॉट। अब हमने इधर फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म के लिए बिगिन फॉर्म करेंगे, बिगिन फॉर्म, उसके अंदर डाटा इसे दूंगा। और सबसे पहला जो होगा मेरा, क्योंकि मैंने सबमिट बनाने के लिए बनाना है, सबमिट जो मेरा एक्शन है उसके लिए उससे मैं अब पास करूंगा किसको, हमारा जो हो क्या कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद अब मैं इधर मेथड यूज करूंगा, और मेथड फॉर्म मेथड, फॉर्म मेथड मैं यूज करूंगा डॉट पोस्ट, ये होगा मेरा पोस्ट वाला फॉर्म मेथड। अब मैं इसको इसका एलिमेंट बनाऊंगा, उसके लिए मैं इधर ब्रैकेट्स के अंदर इसे क्लोज करूंगा। तो अब मैं इधर एक डिव के अंदर एक बनाऊंगा HTML को यूज करूंगा, और रेडियो बटन बनाऊंगा, ठीक है, और ये रेडियो बटन फॉर के हम मॉडल के साथ यूज कर रहे हैं। तो अब मैं ब्रैकेट्स के अंदर क्या करूँगा टी, और ये पहले हम मेथड यूज करते थे इज इक्वल टू फॉर टी डॉट रेडियो बटन। तो रेडियो बटन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, अगर हम देखें
सबमिट के अंदर नहीं, हमारे पास था स्टूडेंट सीएस के अंदर रिजल्ट्स के लिए, तो इंडेक्स के अंदर अब थ्री डॉट रिजल्ट मैं यूज करूंगा रिजल्ट, और अब इसके अंदर मैं इसकी जो वैल्यू होगी वो जो इसे हमने देनी है वो मैं करता हूँ पास। अब मैं साथ से एज एक लेबल छोटा सा मैं इसे देता हूँ पास के लिए। अब सेम चीज मैं कंट्रोल करता हूँ कॉपी और कंट्रोल करता हूँ भी, और अब मैं इसे पास की जगह कर देता हूँ फेल। अब इसके अंदर जो वैल्यूज थी वो भी मैं करता हूँ एफ एल फेल, और अब टी डॉट रिजल्ट के लिए जो मैं करता हूँ सेव, और साथ ही डिव के नीचे अब मैं एक अच्छा सा बटन बनाऊंगा। बटन बटन के अंदर जो टाइप होगी बटन की टाइप वो बटन की होगी सबमिट, और अब मैं बटन को वैल्यू देता हूँ इधर नेम देता हूँ सेव, ये होगा मेरा बटन। तो मैं करता हूँ सेव, तो अब ये डाटा तो हमारे पास आ गया। इसको व्यू पे हमने करने के लिए शो हमारे पास जो इधर सबमिट के ऊपर सबमिट बनाया हुआ है हमने एक्शन, ठीक है। एक्शन जो इसके अंदर है वो क्या है हमारा सबमिट, कंट्रोलर के अंदर ये सबमिट एक्शन है। इसके अंदर वैल्यूज तो पास कर रहा है लेकिन उसे शो नहीं करवा रहा। शो करवाने के लिए अब हम इधर यूज करेंगे रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट रिजल्ट डबल कॉलन। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एट द रेट मॉडल मॉडल डॉट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इधर रिजल्ट हमने ये हमने रिजल्ट कर दिया रिक्वेस्ट। अब हम इसे करते हैं जीरो एरर है, कंट्रोल फंक्शन F5, और अब हम इसे वेब ब्राउजर पे देख रहे हैं अपने। ये इसे अब रीलोड करके और ये इसने दिया रिजल्ट हमारा, ठीक है। तो अब इसने तो हमें इसी रिजल्ट के लिए फॉर्म पे ले आया, ठीक है। हमने रिजल्ट वाले फॉर्म पे नहीं जाना, हमने इधर जाना है फॉर्म में इंडेक्स में आई एन इंडेक्स में, हाँ ये आ गया हमारा इंडेक्स। अब इधर से हम अगर पास करेंगे तो सेव वन करेंगे तो हमारे पास पास की तरह वैल्यू सेव हो जाएगी, और हम फेल करते हैं तो हमारी वैल्यू से फेल हो जाएगी साउंड, और अगर हम रीलोड करते हैं और बिल्कुल सेव कर देते हैं तो हमारा बिल्कुल ये फॉल आ जाएगा। और जो दूसरा हमारे पास मैटर था वो था सिर्फ शो रेडियो रेडियो, क्योंकि वो किस लिए यूज होता था विदाउट मॉडल के लिए। तो अब मैं इधर दो नए एक्शन बनाऊंगा, इन दोनों को कॉपी कर लिया और इधर मैं करूंगा पेस्ट। और सबसे पहला जो एक्शन था मेरा मैं इसे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल शो फॉर्म, शो F4M फॉर्म, ठीक हो गया। और जो दूसरा मेरे पास उसे मैं कर देता हूँ सबमिट फॉर्म, सबमिट F4M फॉर्म, मैं करता हूँ सेव। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको क्योंकि मॉडल नहीं है इनके अंदर तो मॉडल मैं ना इधर मैं पास करूंगा ना मैं सेव करूंगा, कंट्रोल एस करता हूँ। और अब मैं शो फॉर्म के लिए एक बनाता हूँ व्यू, और क्योंकि ये मॉडल के बगैर है तो व्यू जो होगा इनका वो स्ट्रांगली नहीं होगा, तो हम सिंपल इसे ऐड करेंगे। और अब हम कंट्रोलर के अंदर जाके हमारा जो लास्ट एक्शन है उसके अंदर हम इधर एक नया व्यू ऐड करेंगे, व्यू पेज MVC 5, क्योंकि ये भी सादा होगा और ये हमारे पास व्यूज आ गए हैं सारे। शो फॉर्म के अंदर अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो पहला फॉर्म था सबमिट फॉर्म उसके अंदर से इंडेक्स के अंदर मेरा जो फॉर्म बना हुआ है अब मैं इसे करूँगा कॉपी कंट्रोल सी। अब मैं इसे शो फॉर्म के अंदर लेके जाऊँगा और डिव के अंदर मैं अपना ये फॉर्म करूँगा पेस्ट। और अब क्योंकि मैंने इधर रेडियो बटन फॉर नहीं यूज़ करना तो इसके लिए मैं रेडियो बटन फॉर के बजाय मैं इसे कर देता हूँ ऐसे कंट्रोल एस। और क्योंकि अब ये शो फॉर्म है तो इंडेक्स फाइल के अंदर तो मैंने इसे एक्शन फिर सबमिट के ऊपर किया था, लेकिन अब शो फॉर्म के अंदर मैं इसे क्या करूँगा, अब मैं इसे कंट्रोलर के अंदर हमारी जो फॉर्म है जो सबमिट फॉर्म है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने इसे ट्रांसफर करना है तो मैं इसे सबमिट F4M फॉर्म कर दूंगा, कंट्रोल एस कर दूंगा। और इसके अंदर जो पैरामीटर हैं वो मैं करूँगा चेंजेस। इसके अंदर मैंने क्या किया, अब मैंने इसके अंदर जो क्योंकि हमने रेडियो बटन सिर्फ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मॉडल के बगैर है, तो ये मैंने इसके पैरामीटर्स पास किए। पहले मैंने इसका रिजल्ट के लिए, अब इसका भी जो बड़ा कर देता हूँ, और इसको जो वैल्यूज मैंने दी हैं और इसका जो मैंने
हाइलाइटर कर दिया। बटन है इसका जो सबमिट है और सेव, मानो करता मैं एस कंट्रोल एस कर दिया टाइप सबमिट, तो वो जो वैल्यू इधर शो फॉर्म से हाँ जिसे हम पास कर रहे हैं वो हम अपने कंट्रोलर में एक्शन बटन के अंदर सबमिट फॉर्म के अंदर इसे रिसीव कर ले। तो इधर मैं यूज करूँगा व्यू बैक डॉट रिजल्ट टैब दबाऊंगा और ये हम इसे करेंगे कंट्रोल एस। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं जाऊँगा सबमिट फॉर्म के अंदर, उसके अंदर जाके जो मैंने उधर वैल्यू सबमिट की है उसको मैंने क्योंकि इधर व्यू करना है तो रिजल्ट रिजल्ट के अंदर डबल कॉलन के अंदर एट द रेट सॉरी रेट व्यू बैक डॉट क्या था हमारा उधर रिजल्ट, तो ये मैं करता हूँ सेव विदाउट एनी एरर। अब मैं करता हूँ इसको रन और अब हम इसे देखते हैं विदाउट एनी एरर, ये बेसिकली सबमिट फॉर्म के अंदर आ गया ना, सबमिट फॉर्म के अंदर नहीं, हमने उधर अभी हमने रिक्वेस्ट किया सबमिट फॉर्म, वेट अ मिनट शो फॉर्म के अंदर हमने अभी जाना है, हम चेक करते हैं ये पास और फेल, पास कर जो पास आ गई और फेल करें तो फेल आ गई। और अगर मैं इसे करता हूँ ऐसे तो ये बेसिकली हमारा था सबमिट फॉर्म और ये हमारा शो फॉर्म, इसे मैंने कंट्रोल एस और ये किया मैंने कंट्रोल फाइव और ये मैंने आपको बता दिया कि ये फेल और पास ये कर रहा है और हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और हम पास के ऊपर जाके एंड करेंगे। और ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।